इमरान खान के कंटेनर पर फायरिंग के वाकये के बाद फैसल जावेद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचे। उन्होंने वहां क्या देखा, सुनिए फैसल जावेद की जुबानी। फैसल भाई, कैसी तबीयत है आपको और क्या कैसा वहां पे क्या हुआ ये बताएं जरा। क्या हुआ तो अभी तो बाद में बताऊंगा क्योंकि समझ नहीं आ रही है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। खान साहब की तबीयत के बारे में पता चला कि वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी है कि इंशाल्लाह हमारी जो ये हकीकी आज़ादी की जो कैंपेन है ये जारी रहेगी और अल्लाह के सवा कोई नहीं, किसी के सामने नहीं झुकते हम। और मैं सबके लिए ढेरों दुआएं, जो जो लोग इसमें शरीक हैं और जो जो लोग हमें मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने दुआएं की है कि मोर्चा हुआ जो जो बच गए। ऐसा बताया ये बुरा से आपको इधर से समझ आती है कि इधर से क्रॉस करके गई ये मतलब, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये लोगों की दुआएं हैं और जिन्होंने दुआएं की जिन्होंने नहीं की सबके लिए ढेरों दुआएं, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में। और फैसल भाई ये बताएं कि वहां पर और जो जख्मी हुए उनके बारे में बताएं। दरअसल देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि आप देखें कि अल्लाह ताला ने एक यहाँ पे हादसा इस तरह हुआ है। देखिए फैसल कहां से गोली लगी है, देखिये यहां से लगी है गोली, यहां से बुलेट लगी है और हाफ इंच को फाड़ के तो अल्लाह के कितने सेंटीमीटर से बाहर निकल गई। अल्लाह ने इनको बचा लिया है, ये अल्लाह ने बड़ा बचाया है। और क्योंकि ये बिल्कुल फ्रंट पे खड़े हुए थे और मैं तो बिल्कुल एक मिनट पहले इन्होंने मुझे भेजा खान साहब कहने के रास्ता बनाओ जाके। वैसे ये भी मोजाना तौर पर बचे हैं थोड़ी देर। फैसल भाई ये बताएंगे हौसला कैसा, जज्बा कैसा? हौसला जबरदस्त है इंशाल्लाह, हौसला मजीद अच्छा हो गया इससे। और इंशाल्लाह देखिए हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस मुल्क में इस करप्ट निज़ाम का खात्मा करना है और उसके लिए जान तो की बाजी भी खेलने पे। इमरान खान के लिए ढेरों दुआएं करें। मुझे पता चला कि इमरान खान से खैरियत से सुन के तसल्ली।